एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड डिसाइड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। यहाँ पर देखिए, आपको इस प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है एंड डिसाइड विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की हेल्प से आपको डिसाइड करना है वेदर द प्रॉब्लम इज ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि ये एडिशन है या फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपको ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये है आफ्टर स्पेंडिंग रुपीज 130.75 ऑन अ शर्ट, गौतम हैड लेफ्ट रुपीज 52.50 विद हिम। हाउ मच मनी डिड ही हैव अर्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना होगा। तो हम किस तरह से हम इसको देखेंगे कि मनी स्पेंट ऑन शर्ट। तो यहाँ पे जो ये है कि स्पेंट किया हुआ है मनी कितना, 130.75 पैसे, और मनी लेफ्ट जो उसके पास बची हुई मनी थी वो कितनी थी, 52.50। अब उसमें ये बताना है कि उसके पास वो कितने, उसके पास कितनी मनी थी, जो उसने खर्च किया था वो था ये शर्ट पर 130.75 रुपीस, और जो उसके पास बचा हुआ था वो था 52.50 उसके पास बचा हुआ था। तो आपको बताना है कि उसके पास कितना था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, यानी ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से दिया हुआ है मनी स्पेंट ऑन शर्ट। तो उसने शर्ट पर कितने मनी स्पेंड किए, खर्च किए, 130.75 पैसे। मनी लेफ्ट जो उसके पास बची हुई थी वो कितनी थी, 52.50 पैसे। अब इन दोनों को हमें क्या करना होगा, प्लस करके जो वो लेके आया था, जितने उसके पास पहले मनी थी वो हमारी निकल के आ जाएगी। तो 505712 1 2 + 1 3 3 + 5 8 + 1। तो इस तरह से उसने, उसके पास कितने रुपीस थे, 183.25। अब यहाँ पर देखिए, ये है राधा बॉट अ शार्पनर फॉर 8.75। राधा ने शार्पनर खरीदी, कितने की खरीदी थी, 8.75 की, एंड इरेजर फॉर 11.65 एंड अ बॉल पर फोर 16.35। इरेजर खरीदी थी उसने 11.65 की, और बॉल पेन खरीदा था वो खरीदा था उसने 16.35। इसमें बताना है हाउ मच मनी सी शुड पे टू द स्टेशनर। तो वो कितने उसको मनी पे करेगा स्टेशनर को, जो दुकान वाला है उसको वो कितनी मनी पे करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें तीनों को प्लस करना होगा, जो शार्पनर है और इरेजर और बॉल, जो इन तीनों को क्या करेंगे हम प्लस करके, और हमें पता चल जाएगा कि शार्पनर को हमें, उस शॉपकीपर को हमें कितना देना है, जो दुकानदार है उसको हमें कितने रुपीस देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ शार्पनर। सबसे पहले हमने लिखा प्राइस ऑफ शार्पनर, फिर प्राइस ऑफ इरेजर, फिर प्राइस ऑफ बॉल पेन, फिर इनका हम टोटल करेंगे 5 5 5 करके। तो 5 5 10 10 5 15 5 यहाँ आ गया 1 पर, 7 + 1 8 + 6 8 + 6 14 14 + 3
1777, 1 ऊपर, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, 6 1 1 2 प्लस 1 3, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। तो स्टेशनर को हमें कितने रुपीस देने हैं, 36.75 रुपीस हमें सब दुकानदार को देने हैं। द प्राइस ऑफ मन पेन इज 75.25। एक पेन का प्राइस कितना है, 75.25। एंड द प्राइस ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स इज 125। एक ज्योमेट्री का जो प्राइस है ज्योमेट्री बॉक्स का, वो कितना है, 125.35 पैसे। विच वन इज मोर कॉस्टली एंड बाय हाउ मच। तो आपको बताना है कि जो सबसे महंगा है वो कौन सा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, जो सबसे ज़्यादा प्राइस वाला है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे। जो बड़ा वाला है उसको हम ऊपर ले लेंगे। तो क्या है, प्राइस ऑफ पेन, ये यहाँ पर है। प्राइस ऑफ पेन का कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें लिखना है ज्योमेट्री का, ये है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का कॉस्ट लिखना होगा। और ये हमारा हो गया पेन का कॉस्ट, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने ज्योमेट्री का कॉस्ट लिख लिया है, ज्योमेट्री बॉक्स इज 125। और फिर हम माइनस कर देंगे जो पेन का हमारा कॉस्ट दिया हुआ है उसको। तो 55 माइनस 0, 3 माइनस 2 1, 55 0, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 12 माइनस 7 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया आंसर 50.10, यानी कि जो कॉस्ट है हमारे ज्योमेट्री वो कितनी, मतलब 50.10 पैसे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, द ज्योमेट्री बॉक्स इज मोर कॉस्टली देन अ पेन, यानी कि पेन से ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ज्योमेट्री बॉक्स इज 50.10 मोर कॉस्टली देन पेन, यानी कि 50 रुपये वो ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। मोनिका वेंट फॉर शॉपिंग विद 1500 इन हर पर्स। मोनिका क्या करती है, वेंट फॉर शॉपिंग, जाती है शॉपिंग किसके, कितना, 1500 अपने पर्स में लेके जाती है। सी परचेज्ड बैंगल्स फॉर 558, यानी कि जो बैंगल खरी वो परचेज करती है वो है 558। अ टेबल क्लॉथ फॉर, जो टेबल क्लॉथ लेती है वो कितना होता है, 275 का। एंड फ्रॉक लेती है वो है 475.25। हाउ मच में मनी इज लेफ्ट विद हर। अब सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इनको सबको टोटल करना होगा। तो इन पहले हम जो हमने खर्च किए हैं पहले उनको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा 1500 है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम बैंगल, फिर टेबल, ये टेबल क्लॉक है, फिर है प्राइस ऑफ फ्रॉक है, फिर है इनको, फिर हमने टोटल करेंगे। तो 00000 होता है, फिर 5 0 5 5 2 7 8 5 13 13 5 18 8 1 5 plus 1 6 6 plus 7 13 13 plus 7 20 20 0 2
फाइव प्लस टू सेवन, सेवन प्लस टू एट नाइन, नाइन प्लस फोर थर्टीन। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, जो हमने खर्च, जो उसने मोनिका ने खर्च किए थे वो हमारे टोटल आ गए, इतना हमारा मोनिका ने खर्च किया था थ्री आइटम पर। अब यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट सी हैड, तो ये जो लेके गई थी वो अपने पर्स में मोनिका, तो उस वो टोटल अमाउंट कितना था 1500। अब इसमें से हमें जो इसने खर्च किए हैं मोनिका ने, उनको हम इसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या है, जो बच्चे हमारे उसके मोनिका के वो इतने हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस फाइव नहीं हो सकता, यहाँ से ले लिया हमने, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ से ये नाइन हो जाएगा, ये भी नाइन हो जाएगा, ये भी नाइन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टेन हो जाएगा, टेन माइनस फाइव फाइव हो जाएगा, यहाँ पे नाइन माइनस सेवन टू, यहाँ पे नाइन माइनस एट वन, यहाँ पे नाइन माइनस ज़ीरो नाइन, फोर माइनस थ्री वन, वन माइनस वन ज़ीरो। तो हमारा इस तरह से हमारा ये वाला आंसर आ गया। तो जो हम एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में हम इतना ही, जो 8.5 एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।